मैं आप जवानों से भी कहना चाहता हूं, पहले तो कि ड्यूटी पर शराब पीना लागू नहीं है और आप पनिशमेंट के हकदार हो, आर्मी के डिसिप्लिन को फॉलो करो। लेकिन एक बात मैं अफसर साहिबान से भी कहना चाहता हूं कि आर्मी के रूल वहां कहां दरे रह जाते हैं कि आप वहां बैठे होंगे और आपकी मैडम के पास दो बंदे दिल्ली में छोड़ रखे हैं, उस समय आर्मी का रूल फॉलो होता है? एक पोस्ट पर अगर ड्यूटी का जो रूल होता है, अगर एक दिन की गार्ड है तो उनके साथ एक बंदा फ्री होगा जो कि एडम का काम करेगा और प्रतिदिन ड्यूटी बदलेगा ताकि जवान को एक दिन के बाद एक दिन रेस्ट मिल सके। क्या वो रूल फॉलो हो रहा है? अगर एक छे की गार्ड है तो वहां दो बंदे न्यूट्रल होंगे जो प्रत्येक दिन एडम और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। क्या ऐसा रूल फॉलो होता है? नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि हमारी जो 50 से 60% नफरी है अफसरों के निजी कामों में लगी हुई है, 20% तो इनके फिक्स साइक पर था में, और उसके अलावा इनकी पार्टियों में बेटरगिरी में। जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज एक वीडियो मेरे पास एक जवान ने भेजा है जिसकी लगभग 16 साल सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, एक साल बचा हुआ है, 2022 में वो बंदा रिटायर्ड है। अभी यहां उस बंदे ने दुखी मन से उसमें कहा है कि सर आप किन के लिए लड़ रहे हो? जवानों के लिए? आज मेरे को एक जेसीओ ने छोटी सी बात पर 7 दिन की आरआई और 14 दिन का पे फाइन दिला दिया। यानी जिन अफसर और जेसीओ और जवानों के लिए आप फाइट कर रहे हो, जिन अफसरों की तानाशाही खत्म करने के लिए आप लड़ रहे हो, लेकिन उनसे ज्यादा तो हमारे बीच में ही आपस में टकराव है। और वो जेसीओ बहुत दिनों से इस फिराक में था कि मेरे को किसी न किसी चक्कर में गेड़े में लेके पनिशमेंट दे, क्योंकि जब ये जवान वहां पोस्टिंग गया, आपको बता दूं कि मैं उसकी यूनिट तो आपकी हर किसी जो भी हमारी सही सिक्योरिटी पर्पज हो या किसी कारणों से यूनिट में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो राजरेप का बंदा है और वो किसी डेट में था और वहां डेट इंचार्ज कोई जेसीओ साहब थे। और वो जेसीओ साहब एक तो हमारे ही मतलब आर्थिक तौर पर आज उस जवान का लगभग 1.5 से 2 लाख का नुकसान हो चुका है उस जेसीओ साहब की वजह से, और गलती कोई बड़ी नहीं है, लेकिन खाली खुंदक निकालने के लिए यहां जो बीच में एक मेडिटर होता है, हमारा अफसरों और जेसीओ जवानों के बीच में एक मेडिटर बोलते हैं जिनको हम एसएम साहब कहते हैं, सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर की जो पावर होती है, अगर वो चाहे तो इन चीजों को अपने लेवल में दबा सकता है। और ये केस की जो रिपोर्ट थी एसएम साहब को लगी थी, और एसएम साहब ने ऑलरेडी जेसीओ साहब को कहा था कि भाई इस चीज को अभी आप रोक कर रखो, कोई बड़े असीन हुई है। लेकिन कुदरती किसी बात के लिए सीओ साहब ने वहां कॉल किया और उसने डायरेक्ट सीओ साहब को बता दिया। हालांकि इस बात से एसएम साहब खपा हुए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएम साहब से कहना चाहता हूं कि ऐसे जेसीओ जिसने अगर जवान का इतना नुकसान किया है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो में उस जेसीओ साहब एसएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी किसी न किसी तरह उस जेसीओ का इतना नुकसान करो ताकि उसको पता चले कि सेना में जो कड़ी बनी हुई ना, जैसे सिपाही है उसके बाद एनसीओ, जेसीओ उससे ऊपर एसएम, एसएम से बाद में अफसर में भी जैसे कैप्टन मेजर कर्नल, मतलब एक सर्किल घूम रहा है बहुत बड़ा ऊपर से ऊपर तक। तो जो अपने नीचे दर्जे को जो तंग कर रहा है उसको पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है, और वो तभी पता चलेगा इस जेसीओ का भी कहीं ना कहीं या तो इस तरह का नुकसान हो या उसका इलाज हो। दूसरी बात, मैं पहले एक बार फिर निवेदन भी करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर इस ये वीडियो उस जेसीओ साहब तक पहुंचे या और हमारे जेसीओ साहिबान हैं, कि हम चाहते हैं कि आपस में अगर हम मिलकर रहेंगे, एकजुट बोलते हैं ना, इसमें ताकत है, बिखरने में नहीं है। जितनी ताकत इसमें है उससे कई गुना ताकत इसमें है मिलकर रहने में। अगर आज हम जेसीओ वार्स मिलकर रहेंगे तो हमारे सारे के सारे जो हक, जिसके लिए मैंने ये चैनल खोला है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ जवानों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो सहायक प्रथा की हो, चाहे एमएसपी की हो, चाहे हमारे एक समान मिलने वाली अलाउंस की हो, चाहे इसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी जुड़े हैं उनकी पेंशन की मांग हो, यानी हर तरीके से कहीं ना कहीं हम जवानों का वो लेते हैं। लेकिन होगा कब, जब हम एक होंगे। यहाँ जवानों से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह जैसे एक जेसीओ की गलती में आप सभी जेसीओ के लिए लिखना शुरू कर देते हो, जेसीओ रैंक तोड़ दो, ये कर दो, जेसीओ तो बनते हैं ऐसे, ऐसा मत कहो। वो भी हमारे से बीच से निकलकर वहां बने हुए हैं, लेकिन ये एक
अंग्रेजों की चाल थी और उसी चाल को आज अफसर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन जैशियों और जवानों में अगर फूट डालकर रखोगे तो ये कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, और वो उस चाल में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी चाल को तोड़ो, आप मिलकर रहो। जैशी साहब, आपको तो सोचना चाहिए कि आप अगर आप इतनी सर्विस कर कर बैठे हो, किसी जवान ने कल ना अगर आपका बच्चा कोई गलती कर दे या आपका कोई भाई गलती कर दे तो क्या उसको आप इतनी बड़ी आर्थिक नुकसान देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, यहां मैं सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा 82 90 35 45 13, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, गूगल पे सभी से जुड़ा हुआ है। और हमेशा की तरह मेरा ये ऊपर अकाउंट नंबर 642 612 642 33 600, ये हमेशा की तरह इसमें मैं दे रहा हूँ ताकि आप चैनल का सहयोग कर सकें। और दूसरा, ये अपने चैनल से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर 10 10 आदमी जोड़ दो तो ये सीधा 5 लाख से 50 लाख जा सकता है, और हम मजबूत हो सकते हैं। आपस की इस तरह की छुटमुट को छोड़कर आप मजबूत होने का काम करें। अब जैसा मैं आगे आपको बता रहा था, इसी से रिलेटेड पॉइंट, जवान का आखिर मतलब कारण क्या हुआ कि जवान का इतना बड़ा नुकसान जैसे उस आपने कराया। मैं पहले बता चुका हूँ, गुटबाजी से जब जवान वहां डेट में पहुंचा था तभी से जवान और जेसियो साहब, जवान ने कुछ पॉइंट कर दिए थे तो जेसियो साहब के दिमाग में खटक रहा था कि इसको तो मैंने कहीं ना कहीं पेलना है। और जवान कह रहा था कि मैं यहां बात आपको बता देता हूं, कारण क्या था। सिर्फ 2 पैक ड्यूटी के अंदर, जवान की 1 से और 11 फर्स्ट ड्यूटी चल रही थी, उसके अंदर उसने 2 पैक पिए थे, खाना खाकर अपनी ड्यूटी दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो किसी न किसी चुगलबाज ने साहब को बता दिया, क्योंकि गुटबाजी में कहीं ना कहीं नीचे भी बात एक जेशो साहब नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी कड़ी होगी। और जवान कहता कि मैंने दारू कभी पी भी नहीं थी, लेकिन वहां किसी दिन किसी पार्टी की वजह से या कैसे लोगों ने पिला दी, मैंने पी और वो जेशो साहब तक चुगली गई। और वो जेशो साहब वहां पहुंचकर और प्रॉपर बोला कि आपने ड्यूटी पे पी है, उस पर चार्ज लगाए और वो सीओ साहब तक भेज दिए कि साहब ऐसे ऐसे जवान ने ड्यूटी पर दारू पी है और इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ सीओ साहब ने भी बस वही आर्मी के रूल लागू कर दिए, हवाई रूल के मुताबिक आप ड्यूटी पर पकड़े गए हो, आपको पनिशमेंट मिलेगा। और इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी, यानी 2 पैक की सजा कहां से कहां पहुंची, करीबन 1.5 से 2 लाख के आर्थिक नुकसान पर। मैं यहां कहना चाहता हूँ सीओ साहब को, मैं आप जवानों से भी कहना चाहता हूं पहले तो, कि ड्यूटी पर शराब पीना लागू नहीं है और आप पनिशमेंट के हकदार हो, आर्मी के डिसिप्लिन को फॉलो करो। लेकिन एक बात मैं अफसर साहिबान से भी कहना चाहता हूं कि आर्मी के रूल वहां कहां दरे रह जाते हैं कि आप वहां बैठे होंगे और आपकी मैडम के पास 2 बंदे दिल्ली में छोड़ रखे हैं, उस समय आर्मी का रूल फॉलो होता है? पोस्ट पर, एक पोस्ट पर अगर ड्यूटी का जो रूल होता है, अगर 1 3 की गार्ड है तो उनके साथ एक बंदा फ्री होगा जो कि एडम का काम करेगा और प्रतिदिन ड्यूटी बदलेगा ताकि जवान को 1 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट मिल सके। क्या वो रूल फॉलो हो रहा है? अगर 1 6 की गार्ड है तो वहां 2 बंदे न्यूट्रल होंगे जो प्रत्येक दिन एडम और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। क्या ऐसा रूल फॉलो होता है? नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि हमारी जो 50 से 60% नफरी है अफसरों के निजी कामों में लगी हुई है, 20% तो इनके फिक्स साइक पर था में, और उसके अलावा इनकी पार्टियों में बेटरगिरी में, कभी इनकी मैडम की पार्टी चल रही है, कभी किसी की चल रही है, ऐसे सारे के सारे बंदे लेकर बैठे हैं। और वहां जो 40% लोग जब काम करते हैं और हरास, जब उनको इस तरह की स्टेट होती है, हरासमेंट होती है, जब बंदे तंग हो जाते हैं तब अगर मजबूरी में किसी ने 2 पैक पी लिया तो आप उस पर इतनी बड़ी सजा डाल रहे हो। दूसरी बात, जैसा बंदे ने बताया कि वहां जेशो साहब के लिए परमानेंट इश्यू है, अफसर के लिए इश्यू है, तो क्या जवानों ने ही कोई बड़ा जुल्म कर रखा है कि वहां आप दारू बंद कर देते हो? इसी रेजिमेंट का नहीं, बहुत से रेजिमेंट में आता है कि छोटी मोटी बात होते ही सबसे पहले जवानों की दारू पर रोक लगाई जाती है। कहां से लेकर आते हो? आधे से लगना है तो सब पे लगना चाहिए, मतलब मोबाइल पर रोक आए तो जवानों पर, दारू पे आ रही है तो जवानों पर, अगर पूरी रेजिमेंट पे होना चाहिए तो सीओ से लगाकर सोल्जर, जो जवान लास्ट सिपाही है, सबके लिए होना चाहिए। दूसरा, सीओ साहब आपका भी कम से कम, आप वहां लगाकर अशोक और स्टार लगा के बैठे हो तो आपको भी होना चाहिए कि किसी जेशो ने खुंदक में आकर ऐसे पॉइंट दे दिया तो उस पॉइंट की इतनी बड़ी सजा दे दी जाए। शायद मैंने तो मेरे इतिहास में देखे नहीं, और ऐसा भी नहीं देखा कि आर्मी में, पता है देखो दारू की कैसी चीज होती है कि बहुत कठिन परिस्थितियों में एक जवान ड्यूटी करता है, -45 डिग्री हो या तपती धूप हो, और खासकर सर्दियों में ऐसी ऐसी जगह जहां बर्फ में आदमी
कई कई दिन तक नाता धोता नहीं, उतनी ठंड होती है और उसमें ठंड में ज्यादातर लोग पीना सीख जाते हैं। और एक जब सरकार ने बनाए रखा है मॉडल, तीसरे दिन इशू कर करके जो नहीं पीता है वो भी पीने लग जाता है, तो कुछ बंदे उसमें आदी हो जाते हैं और कुछ मजबूरी में थकान की वजह से पीते हैं। अगर बंद भी है तो कहीं ना कहीं से सब जुगाड़ कर कर पीते हैं और सबको पता है ऊपर तक, लेकिन आज तक इतना इतिहास में नहीं सुना कि मैंने किसी को ऐसे नॉर्मल केस में दारू की सजा दे दी गई हो। बहुत लोग तो पीते हैं, जो पीते हैं कहीं से जुगाड़ कर कर पीते हैं। हाँ, अगर पी के कोई अपनी ड्यूटी गलत कर रहा हो या ड्यूटी नहीं जा रहा हो तो पनिशमेंट का हकदार है, लेकिन अगर बंदा शांति से ड्यूटी दे रहा है और उसका जबरदस्ती मुंह सूंघ कर इस तरह ड्यूटी देना, वो तो एक खुंदक का काम निकालना होता है। तो कृपया कर ऐसे ना करे, और खासकर हमारा खुद का जो महकमा है ORS, थोड़ी बहुत शर्म करो। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आप आपस में ही लड़ रहे हो, तो फिर तो क्या भला होगा हमारा। उस वीडियो बंदे का जो वीडियो है, बंदा 1 साल अभी अगली साल पेंशन जा रहा है, मैंने उसको बता दिया है कि आज मत डालो, क्योंकि अगर आप आज वीडियो डाल देते हो तो ये आपकी पेंशन को और सब चीज के अंदर रोड़ा अटका देंगे। इसलिए आज उसका वीडियो मैं यहाँ क्लोज करके रख रहा हूं, मेरे पास पहुंच गया है। जैसे ही रिटायरमेंट होगा फिर उस जेसीओ का बाई नेम और उसका सीओ का बाई नेम, उसकी रेजिमेंट का सारा इसमें चिट्ठा खोलेगा रिटायर होते ही। ऐसे और भी मेरे पास वीडियो रखे हैं, जो जो बंदे जैसे जैसे, आपसे निवेदन करता हूं कि जब आपके साथ कोई घटना घटती है उसको बनाकर रख लो, मुझे मत दो, रखो, लेकिन जिस दिन रिटायर्ड हो गए उनको डालो, ताकि वो चीजें दोबारा रिपीट ना हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जवान मिलकर रहोगे तो हम इनसे बहुत जल्दी ही इस लड़ाई को जीतेंगे। चैनल को बढ़ाएं और हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।